الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم. मैं इस तरीके वाले से मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अभी हमारे नौजवानों में और हमारी आवाम में अवामी इदारे के रहनुमा जी जनाब ज़ुल्फ़िकार सदीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने हैरान से नवाज़ें। और यहाँ पे जितने भी अफराद तशरीफ लाए हैं उनका शुक्रगुजार कि आपने मिली बेदारी का सबूत दिया और एक ऐसे इशू के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना और अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए उसके मुस्तकबिल को महफूज कराना हम सब का अखलाकी फर्ज है और हम सब इस चीज़ में गाने गिरने सुनने और गुज़िश्ता तकरीबन दो माह से इस तहरीक को खास اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. قابل سعادت احترام حاضرین, आज एक मकसद के लिए यहाँ पे सब दोस्तों की गेट टुगेदर है और अजीमी साहब ने बड़े नपे तुले अल्फाज में इसका मुद्दा भी बयान किया है कि ये तमाम जमातों के वो बेदार सियासी वर्कर्स और आम माशरे के वो अफराद जिनका दिल इस बात पे कुड़ता है कि हमारी नौजवान नस्ल को भी रहनुमाई के लिए क़यादत के लिए आगे आना चाहिए, ये बुनियादी तौर पे उनकी गैदरिंग है। और मैं सामने देख भी सकता हूँ कि हर वक्त जब अमली जिंदगी का वक्त आया तो उन्होंने बासियत कौमी महाफ़िज़ अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली और अल्लाह के फजल करम से ये मेंबर शहर को भी आजाद हासिल है कि मेजर आसफ की जात जो है वहाँ भी गैर मुतनाज़ा रही। फिर इलेक्शन के दौर आते रहे और उस वक्त भी उनका जानदार करदार जो है तो ये ज़्यादती होगी नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और अजीज़ों, मेरी तरफ से सबको सलाम पहुँचे और मैं जनाब चौधरी आसफ साहब और नौजवानों में अवेयरनेस कि बलदियाती इलेक्शन या लोकल बॉडीज हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है। आप देखें अरसा 29 साल से बल्कि ऑलमोस्ट उसको आप 30 साल का है हमारे आजाद कश्मीर में हमारे नौजवानों को आगे नहीं आने दिया जा रहा किसी किस्म के कोई इलेक्शन जो है। इवन इससे पहले जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इलेक्शन करवाए जाते थे स्टूडेंट्स के वो भी एक तवील अरसा से उनको ऊपर भी बंदिश है और जो हमारी इंडस्ट्री वहाँ से निकल के आती थी हमारे जो नौजवान क्यादत वहाँ से निकल के आती थी वो भी काफ़ी अरसा से इसके ऊपर भी वो भी पाबंदी का शिकार है। तो आज के इस एहतियाती प्रोग्राम में मैं आप सब सिर्फ मैं आपको खुश आमदेद कहूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आप अपना कीमती टाइम यहाँ से निकाल के आए हैं और इस गर्मी में आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं। सच्ची बात है मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और इंशाल्लाह ताला ये हमारा को बकायदा जलसा नहीं है, आम लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे। अभी भी बहुत सारे नौजवान जो हैं वो उस्मानी चौक में अभी वो वेट कर रहे हैं, एक ऊपर से भी हमारे कुछ दोस्त आने हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि एक बजे हम जिस तरह हमने ऐलान किया हुआ है एक बजे इसका हम अहतमाम करेंगे, उसके बाद इफ्तार साहब जो हैं वो इसका अलामिया भी जारी करेंगे और दोबारा भी इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे बहुत ही मोजज़ दोस्तों भाइयों और अजीज़ों, मैं आज की इस अलामती एहतजाजी तारीख में
दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदेद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी हमारा ये पैगाम पहुँचेगा एक अंदरों कुर्सी लै गया अंदर कुर्सियां पई ना एक लै गए इसी तरह आप लोग।